मेरे पास ऐसे और भी ईमेल आईडी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास दो ईमेल आईडी है। इन दोनों पे मुझे एक फाइल जो गूगल ड्राइव में पड़ा है उसको मुझे भेजना है। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं और भेजते हैं। एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, सब्जेक्ट देते हैं और अब आराम नहीं देते हैं, सेंड मेल करते हैं ना, सेंड मेल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि दिन, एक आउट ऐप मतलब कि आउटलुक एप्लीकेशन या फिर ऐप कर देता हूँ, ऐप एज ए ऑब्जेक्ट। मेल एज ए ऑब्जेक्ट दो हमने बना लिया। और फिर हम देते हैं यहाँ पे सेट ऐप इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और उसमें यहाँ ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आउट लुक डॉट एप्लीकेशन। तो हमने क्या किया, ऐप के ऊपर जो ऐप हमारा, इस ऐप के ऊपर हमने आउटलुक एप्लीकेशन को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब कि आउटलुक को असाइन कर दिया। अब वो आउटलुक उस पर ओपन हो जाएगा। आउटलुक है उसके ऊपर ओपन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमने आउटलुक तो ओपन कर लिया, मुझे नया मेल जनरेट करना होगा, तो सेंड सेट मेल इक्वल टू, और यहां पे हम करेंगे ऐप डॉट क्रिएट आइटम। अब इसमें सेशन नहीं आता है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जी। अब बोलेंगे क्या है, देखिए क्रिएट आइटम में सी आर ई ए टी ई आई टी ई एम ओके। तो ये क्या है कि हमने इसके जरिए हमने आउटलुक को ओपन किया है, और दूसरा लाइन इसके जरिए हमने क्या किया है, हमने एक नया मेल को किया है, मतलब कि कंपोज किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हमने मेल ध्यान रख लिया, अब बात होती है कि इसमें मेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना। जी हाँ, मेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना था। पहले मुझे दो मेल भेजने हैं, तो इसको हम लूप में लगा देता हूँ कि फोर आर इक्वल टू चले और टू टू फोर, और यहां पे हमने कर दिया विद मेल डॉट टू, और टू में हम ईमेल आईडी देते हैं रेंज बी, बी के साथ हमने कंकेटिनेट कर दिया आई डॉट वैल्यू। पर टू सी सी अगर रखना है तो ठीक है, अगर ब्लैंक भी कर सकते हैं या फिर यहां देने की जरूरत भी नहीं है। डॉट बी सी सी देना है तो दीजिए, नहीं तो यहां पे ब्लैंक रखिए या फिर देने की भी जरूरत नहीं है। डॉट सब्जेक्ट 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 मान लीजिए फिक्स है आपका, दिन रुपया में दे दीजिए। अगर फिक्स नहीं है तो आपके यहाँ जो सीट है उस सीट पे यहाँ तीसरा कॉलम आप सब्जेक्ट का बना लीजिए, और जैसे मैं मेल आईडी उठाया है रेंज और आई को कंबाइन करके, वैसे आप इसको सब्जेक्ट को भी उठा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट, नहीं बॉडी, माफ कीजिए पहले बॉडी कर लेते हैं, फिर अटैचमेंट करेंगे। बॉडी मतलब कि मेल बॉडी में लिखा होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाय, और हाय में स्पेस दे देता हूँ हाय, और यहाँ पे हमने एम परसेंट लगाया, और ये आपका जो है इस आइकन जगह पे ये नाम हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एम परसेंट में हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ये आपका हो गया पहला लाइन, मैंने पहला लाइन इस तरह से लिखाएगा हाय सुजीत, इस तरह से लिखा हुआ है और कॉमा है, इस तरह से मेल बॉडी पे लिखा होगा। अब मैं इसमें एक ब्रेक करके कुछ और लिखना चाहता हूं,
तो एम परसेंट लगाया और हमने लिख दिया वी वी न्यू लाइन एक लाइन के लिए। और फिर यहाँ पे लेते हैं प्लीज फाइंड तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर वह एक नया लिख देगा, फिर मुझे एक नया लाइन चाहिए तो ऐड वापस यहाँ पे वी वी न्यू लाइन यहाँ पे दे देंगे रिगार्ड्स, वापस एक और ऐड करेंगे फिर वी वी न्यू लाइन यहाँ पे मेरा नाम यहाँ एन परसेंट लगेगा और मेरा नाम हो जाएगा सुजीत। या फिर किसी सेल पे सेम फॉर्मेट पर लिख ले और उस सेल को कॉल कर ले, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखेगा यहां पे, ये लिख देगा बीवी न्यू लाइन क्या करेगा, एंटर मारेगा, दूसरे लाइन में ये आएगा, तीसरे लाइन में रिगार्ड आएगा, चौथे लाइन में ये आएगा आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहां पे अगला आता है अटैचमेंट, तो यहाँ पे हम अटैचमेंट करते हैं ए डबल टी ए सी एच एम ई एन टी एस। स्पेलिंग गड़बड़ वाला बता दीजिए यार, मुझे स्पेलिंग भूलने की आदत है। ऐड और यहाँ पे स्पेस देके आप इस फाइल का पाथ ले लीजिए पूरा का पूरा डीडी का। तो यहाँ पे आते हैं डीडी डॉट क्या इसका एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन क्या है पहले देख लेता हूँ। एम है नहीं एक्सलेस एक्स है, जी हाँ एक्सलेस एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से भी ले सकता हूँ या ऊपर से भी ले सकता हूँ। ऊपर से हमने ले लिया पाथ को, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया स्लैश डी डॉट एक्सलेस एक्स हो गया। तो लास्ट में आप सेंड जरूर कीजिएगा सेंड, फिर यहाँ पे एंड बिल मैं इसको एक बार एज ए ट्रायल रन करके देखता हूं कि एरर तो नहीं आता है। हाँ एरर आया, मुझे अंदाजा था कि एरर आएगा। क्या है एक भेज दिया क्या आई का मान देखते क्या सर, आई को डबल कोट्स में नहीं डाला ना, बी को तो डाल दिया आपने। नहीं आई नहीं डबल कोट्स में डालेगा, इसका रीजन है कि हमने इसको लूप से बाहर किया हुआ है, इसको भी लूप रखना होगा। सर आई को डिफाइन नहीं किया हमने ऊपर, नहीं इसमें हमें यहाँ रुक जाइए नेक्स्ट होगा सेट अलग चीज है, अलग मैटर है। मेल इक्वल टू Nothing. एक बार हमने भर दिया तो हम वापस उसको खाली भी तो करना पड़ेगा ना, तब तो दूसरा रिप्लेस करेगा। मैटर यहाँ पे था एक मेल उसने भेज दिया है, अगर मैं आउटलुक में जाके देखूंगा तो इसने यहाँ पे सेंड आइटम जाके देखिए एक मेल डेटा के नाम से भेज चुका है, यहाँ दिख रहा है आपको सर। दूसरा में हमने इसको क्लीन नहीं किया, इस पर क्लीन करता हूँ फिर देखता हूँ क्या है, दोबारा भेजता हूँ ऑब्जेक्ट ब्लॉक बिना दो। ओके मुझे इसको भी रखना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होता है कौन सा ऑब्जेक्ट को, ये समझना होता है आपको कि कौन सा ऑब्जेक्ट को मेल में इसमें रखना है, मतलब कि लूप में रखना है, किसी को लूप में नहीं रखना है। दोनों पर रखना पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग हो सकता है।
आजा need to who send this to this show and that is one meal मैंने लेके गए मैं तो फोन में मेरे पास वाला भैया एक मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज साइनों को लक्ष्मी ने छुपा के रख दिया है कोई नहीं इसमें एरर ये नहीं दे रहा है इसमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है 2 to 4 एक मिनट सर आई एज इंटीजर 2 to 3 ही होगा ना 4 में तो कुछ है ही नहीं सर अब मैसेज को आपने सही ढंग से पढ़ा नहीं मैसेज क्या देखिए मैसेज ये कह रहा है कि वी नीड नो हु सेंड दिस टू मेक श्योर एंटर एटलीस्ट वन नेम राइट हम नहीं पढ़ रहे थे सही से क्या है कि हमने जो मेल भेजा हमने यहाँ पे लूप लगाया है 2 to 4 बट हमारा डेटा तो 2 to 3 है ना सर चौथा तो ब्लैंक है समझे तो इसलिए एरर दे रहा है कि मुझे यहाँ पे लूप को 3 करना है और ये मेल जा चुका है आप देखेंगे आउटलुक में तो ये मेल भेजा जा चुका है देखिए आईपीटी इंडिया को भेज दिया और आईपीटी दिल्ली को भी भेज दिया हमने यहाँ पे बट सेम एड्रेस में सर मीन्स जितने ईमेल आईडी रहेंगे उतना नंबर काउंटिंग आएगा जी आपने अगर ब्लैंक सिर्फ सही सी बात है ना कि आपको यहाँ पे 2 में तो कुछ कोई ना कोई देना ही पड़ेगा ना आपको नहीं नहीं जो फॉर आई इज इक्वल टू 2 to 2 जो नंबर आएगा तो पर मेरा 100 है 102 है तो एंडिंग नंबर रहेगा वो उसका काउंट रहेगा वो हेलो हाँ आई का जरा एक्सप्लेन कर दो ना वापस आई इज इक्वल टू कि आपको कितना बार मेल भेजना है इसमें अगर आई नहीं लगाओगे तो एक बार में एक ही भेजेगा ना तो okay. लगाने का पर्पस यही था कि हमें कितना मेल भेजना जितना हमारा डेटा है उतना मेल भेजना है ना वो सर तो डेटा लेकिन 2 से 60 और 3 पे खत्म है लेकिन क्या हो रहा है दे देते हैं अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो ब्लैंक आएगा और ब्लैंक मेल तो भेजेगा कोई ना कोई रिसिपिएंट तो चाहिए ओके लेकिन क्या हो रहा है मतलब मैं हर दिन मेरा 100 ईमेल रहते हैं कभी 50 रहते हैं कभी हाँ, तो उसके लिए आपको इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा यहाँ पे देना पड़ेगा कि रेंज 65,000 डॉट एंड एक्स दिस आप डॉट रो समझे तो okay. अभी आपका बढ़ जाता है जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ डाल दिया मैं ओम डाल दिया और यहाँ पे ओम यहाँ पे हमने ओम एट द रेट abc.com कर देता हूँ ऐसे टमी डाल दिया मैंने तो अब जो है देखिए मैं इसको रन कीजिए चला गया ठीक है सर दिख रहा है आपको इसमें शेड्यूल कर सकते हैं हम मेल को ये टाइम को भेजना है शेड्यूल आपको यहाँ पे नहीं करना होता है शेड्यूल आपका आउटलुक फिर एक्सेस करना पड़ेगा ओके या फिर इसमें ये लगाना पड़ेगा शेड्यूल टास्क लगाना पड़ेगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने जो एप्लीकेशन को क्रिएट किया था उसको हमने लूप के अंदर नहीं रखा था ध्यान से ये चीज ध्यान दीजिए कि मुझे भी ये देखिए 3 बार एरर दे दिया था ना सर ओके तो आप जो है कभी भी जो क्रिएट करेंगे उसको मत रखिएगा लूप में लेकिन जो मेल क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको लूप में रखना है या फिर उसको भी आप नहीं रखेंगे काम चलेगा एक बार देखता हूँ मैं यहाँ तो आपको रखना पड़ेगा तो इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि आपकी जो मेल जनरेट हो रही है मेल क्रिएट हो रही है क्योंकि आपको जितना इंडिविजुअली मेल भेज रहा है ना सर ऐसा तो नहीं कि आप अटैच करके एक साथ भेज रहे हो एक एक मेल तो आपको हर बार नया मेल को क्रिएट करना पड़ेगा इसलिए इसको लूप में रखना पड़ेगा और नीचे आपने जो क्रिएट किया है उसको नथिंग करना पड़ेगा नथिंग करने से क्या होगा ये जो भी इंफॉर्मेशन डली है वो आपके मेल वाले ऑब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा ओके सर ओके सर
क्लियर है? सर ये जो सेट ऐप करके डाला है ना, ये फर्स्ट टाइम आपने डाला है, इसके पहले नहीं कभी डाला है, वो क्या एक्चुअली क्या है? आउटलुक ऑटोमेटिक ओपन होता है क्या? मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्योंकि आउटलुक जो है हमारा अदर ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सेल से बाहर की चीज है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। इस पे पहले पे हमने सेट कर लिया कि ऐप जो है वो आउटलुक एप्लीकेशन है, तो क्या करेगा, एक आउटलुक एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा बैकएंड में, मतलब कि आउटलुक को ओपन कर देगा, समझ जाइए ना, बैकएंड में, मतलब कि फ्रंट में नहीं, बैकएंड में आउटलुक को ओपन कर देगा। और फिर दूसरा जो हमने यहाँ पे सेट किया कि सेट मेल ऐप डॉट क्रिएट आइटम जीरो, मतलब कि ये जो ऐप है हमारा, जो मतलब हमारा जो आउटलुक एप्लीकेशन है, उसमें हमने एक मेल क्रिएट किया है, क्योंकि आप सिर्फ मेल ही नहीं, आप अगर यहाँ पे न्यू आइटम पे जाते हैं तो बहुत सारे ईमेल मैसेज है, तो जीरो हो गया, अपॉइंटमेंट वन हो गया, ऐसे मीटिंग टू हो गया, ये बहुत टास्क हो गया, तो आपको क्या क्रिएट करना है, तो डिफॉल्ट इसका न्यू ईमेल जीरो होता है, इसलिए हमने नंबर्स यहाँ पे जीरो डाला हुआ है, राइट। और फिर उसके ऊपर हमने टू बीसीसी अपने डिटेल्स को ऐड कर दिया, और फिर हमने उसको सेंड कर दिया, डॉट सेंड तो सेंड कर दिया। उसके बाद जो डिटेल्स डली हुई थी उसको हमने खाली कर दिया, ताकि नई डिटेल्स डल सके, क्योंकि हमने लूप यूज किया। अगर आप लूप यूज नहीं कर रहे हो, बस एक ही किसी को मेल भेज रहे हो, तो आपको ये नथिंग करने की जरूरत नहीं है, और इसको इसी के साथ नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बारी आती है कि मेरे पास अगर दो अटैचमेंट हुआ, तो जैसे मुझे डीडी को भी भेजना है और मुझे भेजना है एक और अटैचमेंट गूगल ड्राइव में, देखता हूँ मैं इसी ड्राइव में, बाहर भी हो सकता है, ये हमारा व्हाट्सएप वाला जो है, व्हाट्सएप डॉट एक्सलेस एम बी, इसको भी भेजना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो इसको इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको दो बार पेस्ट कर दीजिए, जितना अटैचमेंट उतना बार इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कॉमा करके सर। नहीं डाल सकते, यहाँ पे व्हाट्सअप और एक्सलेस एम हो जाएगा यहाँ पे एक्सटेंशन, क्योंकि हमें एक्सटेंशन एम है। एक बार भेजता हूँ, आ गया। अब मेल पे जाके देखेगा कि इसने दो अटैचमेंट रखा हुआ है, ये आउटबॉक्स में पड़ा है क्या, माँ आया ना, दो अटैचमेंट में पड़ा हुआ है। ऐसे मल्टीपल अटैचमेंट के लिए आप डॉट अटैच कर सकते हैं। सर अब तक अपन एक्सेल और पीडीएफ भेजा है, लेकिन कोई जिप फोल्डर भेज सकते हैं? पॉसिबल है? इसके अंदर जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। ओके, तो एक जिप फोल्डर का जरा बता सकते हैं प्लीज? बस इसके एक्सटेंशन होना चाहिए ना, इससे मतलब नहीं कि एक्सेल भेजो चाहे जिप भेजो, कुछ भी भेज सकते हैं, इसका पाथ दो आप। ओके, लेकिन आगे आप एक्सएलएस और पीडीएफ ऐसा लिखते हो ना, तो जिप में क्या जिप लिखना का है? एक्सटेंशन जिप होता है ना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सेंड टू हमने कंप्रेस जिप कर दिया ना डेटा वन को, राइट। तो इसका जो एक्सटेंशन हो गया वो एक्सटेंशन हो गया जिप, ठीक है ना, डॉट जिप। ओके, तो अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसका पाथ लेता हूँ, चलिए आपको बता रहे हैं तो बोलना है तो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये पाथ दे दिया व्हाट्सएप को, इसको हटा देता हूँ, ये हमारा था data1.zip, ठीक है, और इसको आप आसानी से भेज सकते हैं, फोल्डर नहीं भेज सकते बट जिप को भेज सकते हैं। ओके सर, देखिए आ गया, क्लियर है? सर। और एक क्वेश्चन, पूछिए। हाँ हेलो, अगला हेलो, बोलिए सर, सुन रहा हूँ।
अच्छा ये सीसी में मुझे 4-5 ईमेल आईडी डालना है तो कैसे डालेंगे? कॉमा कॉमा ओके ठीक है। अब बात आती है कि मुझे पर्टिकुलर पूरी फाइल नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर सीट को भेजना है। ओके मुझे एक सीट को हम इस मान लीजिए इसी सीट को भेजना है। यहाँ पे हम इस कुछ डेटा डाल देते हैं, मुझे इस डेटा को किसी एक ही सीट पे भेजना है, सिर्फ एक सीट को डेटा भेजना है, राइट सर? कैसे? पूरी फाइल नहीं भेजनी है मुझे। तो सबसे पहले इसको फाइल के रूप में निकालना होगा, तो चलिए इसके लिए हम आपको मैक्रो बनाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे सेंड यहाँ पे सबसे पहले हम सीट वन डॉट कॉपी, राइट, सीट वन डॉट कॉपी एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक होगा बुक डॉट पाथ, या पाथ आपका कोई परमानेंट है क्योंकि इसको सेव करेंगे कुछ चाहिए ना सर, और फाइल का नेम, नेम अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है तो दीजिए, बड़ा आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कोई फिक्स नेम दे दीजिए तो सही रहेगा। यहाँ पे अरे मैं आज का डेट डाल देता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मेट स्लैश नहीं फॉर्मेट आ डेट देना पड़े ना, तो डेट कॉमा डीडी स्लैश एनएम स्लैश एन और इसमें हम एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, एक्सटेंशन डॉट एक्सलेस एक्स। ओके उसके बाद आप यहां से जो कॉन्फ़िगर आप ये कर रहे हो यहां पे इसको एक्टिव उसके बाद आप ये जो दे रहे हैं जो चीजें कर रहे थे वो चीजें आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये आप लूप सर इसमें एक चेंजेस कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है? अभी फिलहाल टू में अपन मल्टीपल ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो सीसी में भी अगर मल्टीपल ईमेल आईडी पॉसिबल है क्या? आप डाल सकते हैं सीसी बीसीसी सब पे मल्टीपल आईडी डाल सकते हैं, 499 मेरा ही डाल सकते हैं सर। सर कर दो ना इसमें एक जरा चेंजेस, सिंपल सा आप कॉमा लगा दीजिए ना, यहाँ पे बोलते ना उससे कॉमा लगा दीजिए। नहीं लेकिन वो सेम ईमेल आईडी नहीं रहेंगे ना? हाँ अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दीजिए एक्सेल में चेंज करना पड़ेगा, आपने एक्सेल का जो डेटा डाला है ना। हाँ एक्सेल एक्सेल नहीं, जैसे आप इसको उठाया है ना सर, है ना मैंने, हाँ मान लीजिए चलिए दोनों मेरा आईडी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से, 10% कॉमा दीजिए और यहाँ पे इसको उठा दीजिए। इतना सिंपल सा समझ में तो आना चाहिए सर आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये तो बहुत आगे की चीज आप सीख रहे हैं, ऐसे मर्ज करना पड़ेगा आपको, ऐसे सीसी में कर सकते हो ऐसे बीसीसी में कर सकते हो, तीसरा चाहिए तो यहाँ पे ऐसे ही आपका तीसरा का देना पड़ेगा। मेनू बिना कोडिंग का भी सीट चला जाता है क्या? क्या एक पर्टिकुलर फाइल सीट एक सीट से अगर कोई मेल करना हो तो? नहीं सीट नहीं, आप पूरी फाइल भेज सकते हैं बिना कोडिंग का, बिना कोडिंग का भी जाएगा नहीं, वो फाइल आपको आउटलुक को मेल कंपोज करके डाल देगा, बात करता हूं वो फिर करना पड़ेगा आपको, यहां शेयर में होता है यहाँ पे वर्क को अटैचमेंट करके भेज देता है, फाइल अटैचमेंट सीट नहीं जाती है सिर्फ कोडिंग के बगैर नहीं होगा सर। ओके ओके समझ गया, यहाँ पे दो या तीन। हाँ यस सर यस सर, डाउट तो नहीं है? नो सर।
तो इसमें आपने देख लिया कि एक एक सीट को कैसे भेज रहे हैं हम इसमें। अब यहाँ जो अटैचमेंट हमने फाइल ऐड किया है सब कुछ सेम रहेगा, और जो हमने यहाँ जो हम अटैचमेंट देंगे यहाँ पे इस यहाँ पे जो हम सेव किया, तो हमने यहाँ पे पाथ जो है ऑटोमेटिकली ले लिया है वर्कबुक डॉट एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ जो है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ इसमें डाल देते हैं। तो ये आपका फाइल आपका होगा। अब एक्टिव वर्कबुक पाथ मतलब कि जहाँ मेरी फाइल सेव है वहीं पे जाएगा, तो इसके लिए फाइल आपका सेव होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कोई पर्टिकुलर पाथ है आपका तो वो पाथ यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, वो आपका जाएगा। ओके, एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ। फाइल कौन एक्सेस दिया स्लैश लगा रखे ना यहीं पे, हाँ हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, यहाँ पे ये होगा ना। बुक टू के नाम से दिख रहा होगा, तो हाँ मेरे फाइल सेव नहीं है, माफ़ कीजिएगा मेरी गलती है। हाँ मैंने जैसे बताया था आपको कि सेव फाइल पे जाता है, तो ये मेरा जिसमें मैं इंपोर्टिंग कर रहा हूँ ये फाइल मेरा सेव नहीं है, तो पहले मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूँ, आउटलुक। याद रखिएगा अगर आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव लेते हैं तो आपका फाइल सेव होना चाहिए, अगर सेव नहीं है तो नहीं जाएगा। अभी पाथ चेंज होएगा ना सर, नीचे वाला आपका सेव करने के बाद सीट टू नई फाइल में जा रहा है, तो नई फाइल तो सेव नहीं ना है, एक्टिव वर्कबुक का पाथ नहीं ना है सर, तो यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा डिम की एडिशन, और यहाँ पी इक्वल टू हम करेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट। यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक की जगह पे हम पी ले लेंगे, अब चलेगा, और यहाँ भी जहाँ एक्टिव वर्कबुक है यहाँ भी हम पी को ले लेंगे। जब ये फाइल क्रिएट, क्योंकि सीट को मूव करके एक नई फाइल में पेस्ट कर दे रहा है, बुक फोर बुक फाइव जो भी, वो भी तो सेव नहीं है ना सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Optic does not require the one more name. ये बोला है कि आउटलुक डज नॉट एक्सेप्ट टू मोर देन वन नेम्स, मतलब कि दो ईमेल आईडी वो रिक्वायर नहीं कर रहा है।
जी सर रिकॉर्ड अलाउड कीजिए सर। तो यहाँ पे एक चेंजिंग है कि एक साथ आप जो है कई सारे लोगों को मेल नहीं भेज सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम ऑफिस 365 में हुआ, बट हम लोग इसमें तो भेजते थे बढ़िया सर। इसमें एक ऑप्शन कर सकते हैं अपन, जो एक्सेल में जो ईमेल आईडी डाले है ना, हाँ, उसमें सी कॉलम में सीसी वाले ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो सिलेक्शन मोड पे। हाँ तो यहाँ पे तो बीसीसी में अलग, सीसी में अलग, इसमें तो अलग अलग तीन ईमेल आईडी डाली सकती है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जैसे टू में हम दो लोगों को भेजना है, थ्री लोगों को भेजना है, वो ऐड नहीं हो रहा है। बट सर इसी कोड में आप सेमी कॉलन लगा के सारी आईडीज ऐड कर दीजिए। नहीं, सेमी कॉलन तो लगा ही रखा था मैंने। नो सर, पहले ही वाले कोड में अलग से जाके कोड्स मत करिए, मतलब इसी कंटिन्यूएशन में आपने जो लिखा है kumar@iptindia.com उसी में कोलन लगा के आगे आप सारी आईडीज लिखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंबाइन होने के बाद तो वही होगा ना, वो जो आप बोल रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं ये थ्योरिकल तो नहीं कहता, क्योंकि थ्योरी ये कह रही है कि अगर कंबाइन होने के बाद आखिर होगा ऐसा ही ना। हम लोग फिलहाल अभी ये यूज कर रहे हैं सर, जो आप मैंने बोला ना आपको, हम लोग जो फर्स्ट कट सारे रजिस्टर भेजते हैं ना, तो मल्टीपल ऑपरेशन मैनेजर और एफएम भेजते हैं, तो ऑपरेशन मैनेजर को सीसी मार्क करते हैं और फैसिलिटी मैनेजर को। आप एक ही ईमेल आईडी, ये भी चलेगा सर, ये जो आपने किया है ये भी चलेगा, देखते हैं। चल रहा है, ये चल रहा है, ये चलेगा इसका, क्योंकि 2 में ये से एज इट इज एंटर कर देगा ना इसको। हाँ, और वहां से 10% लगाने पे भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं 2007 में मैं अपनी प्रमोशंस के लिए इस तरह से 500-500 मेल भेजता था, 2 में 500, 500 सीसी में 500, बीसीसी में भेजता था, याद है मुझे। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि डीम टी एज ए स्ट्रिंग, अगर ऐसी दिक्कत है तो इस तरह से आप मान लीजिए, ये तो चलो ठीक है, आप मैनुअल टाइप करना है तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी रेंज से उठाना है तो टी असाइन करके और टी के ऊपर अपना जो लिखना चाहते हैं ना, जो मैंने कंकॉर्डेंस लगाया था वो लगा सकते हैं इसमें। तो किसी सीट को कैसे ईमेल भेजना है आपको पता चल गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि एक लोकेशन में आपका हमेशा वो फाइल सेव हो रहा है ना, तो लोकेशन आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें मेलिंग के लिए आता है, इसमें आता है कि क्या हम यहाँ पे एक से ज्यादा सीट भेज सकते हैं, समझे, क्या हम एक से ज्यादा सीट को मेल भेज सकते हैं, क्योंकि एक सीट तो हमने भेज लिया अलग करके, अब मान लीजिए जैसे अगर 2-3 सीट होता तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझ जाइए कि अब एक से ज्यादा सीट को आपको यहाँ मूव करना सीखना होगा। तो मैंने कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर मान लीजिए मूव एंड कॉपी और क्रिएट कॉपी कर दिया न्यू वर्कबुक में, नई फाइल में ये दोनों सीट या दोनों ये कॉपी होकर आ जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कोड क्या ऐड करना होगा, बस थोड़ा सा हल्का सा कोड इसमें ऐड करना होगा, जैसे कि ऊपर में वर्कबुक को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि sheet2.copy दिख रहा है सर। तो इसमें आपको इसमें एक कोड लिखना पड़ेगा एक से ज्यादा शीट के लिए, कि यहाँ पे शीट्स और शीट्स में आपको देना होगा यहाँ एरे एरे, और उसके बाद जिस जिस सीट को भेजना है उस सीट का कैप्शन नेम यहाँ दे दीजिए sheet2 और नहीं हाँ sheet2, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए और एरे को खत्म कीजिए .move, ठीक है। तो मोर देन वन शीट को आप इस तरह से भेज सकते हैं।
बाकी सब चीज सेम है, क्लियर है। अब यहां पे एक बात और आ रही है कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज को भेजना है, तो मैं एक पर्टिकुलर रेंज को कैसे भेज, बात समझ रहे हैं। हेलो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे इस एक एरिया को एक फाइल में कॉपी पेस्ट करके भेज दिया जाए, एक एरिया में इसको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया जाए, तो मेलिंग का जो चीज है वो सेम होगा, बट हमें फाइल अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। पायर्ड भी मार सकते हैं ना सर, पायर्ड टेबल वो फिल्टर करके वो डेटा एटम सिलेक्टेड एरिया हो गया ना, सिलेक्शन एरिया, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे दिया कि dim r as a range और set r equal to, आप क्या मान लीजिए सिलेक्ट करके करना चाहते हैं, मुझे इतना एरिया को भेजना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर दीजिए, सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे var books dot add, एक नया वर्कबुक को क्रिएट करेंगे, या फिर आप क्रिएट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट ही सही रहेगा, सिंपल रहेगा, वो एक है कोड और है लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है, ऐड हो गया। फिर हम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं आर डॉट कॉपी कॉपी डॉट रेंज, जहां पेस्ट करना चाहते हो आप ए वन पे बी वन पे नई फाइल में, डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू है तो स्पेस देके वैल्यू कर दीजिए, और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और सेव एज में पाथ जो है, जो पाथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पाथ का इस्तेमाल करें आप, राइट। पी यहाँ पे मैं देता हूँ पी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पी इक्वल टू एक्टिव, ये चीज कब करेंगे जब आपका पाथ, बस कोई और बात नहीं, जहां पे फाइल वहीं पर है वहां पे, लेकिन फाइल को सेव होना जरूरी होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहां पे फाइल हमारा अटैच हो गया, और मैं यहां पे एक्टिव वर्क बुक को क्लोज कर देता हूं, तो मतलब कि सेव करते हुए, उसके बाद जो मेलिंग प्रोसीजर है आप अपना मेलिंग प्रोसीजर को शुरू कर लें, प्रोसीजर को शुरू कर लें, राइट, क्लियर है सर। एक बार इसको रन करके देख लेते क्या, आउट ऑफ सब्सक्यूब आउट ऑफ रेंज, ये कहां आ गया, सर इसमें पहले एक सिलेक्शन भी तो करना होगा ना इसको रन करने के लिए, सिलेक्शन है हो गया, वो एक साथ दे दिया था ना कोड, इसलिए
यहाँ तोड़ना पड़ेगा, सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर पेज स्पेस करना पड़ेगा। ओके तो फाइल आपका सेव दी। अब एक बार चेक कर लीजिए कि सिलेक्टेड डेटा ही भेजा है क्या भेजा है। सिलेक्टेड डेटा को भेजा है तो ये हमने समझ लिया। अब मेलिंग में आगे आगे का ग्रुप आता है कि मुझे मेल करना है एक सिलेक्टेड रेंज को मेल वर्डी के ऊपर प्लेस करके, समझे। सर ये सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ रन करने से पहले जो आपका रेंज है। रेंज सिलेक्शंस को हमें मेल बॉडी के ऊपर होता है, कभी कभी हम रिपोर्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और आउटलुक के मेल बॉडी पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो हम उस मेल बॉडी के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डेटा बना लेता हूँ, थ्री में एक रिपोर्ट बना लेता हूं, हम फॉर्मेट कर लेते थोड़ा सा। और इस मेल बॉडी को हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम भी दे सकते हैं, नाम देना सही रहेगा। फॉर्मूला में जाके मैं डिफाइन नेम कर देता हूँ, या फिर कोई दिक्कत नहीं, नेम भी नहीं देंगे तो फिर भी दिखेगा, मैं यहाँ पे नाम डी डी कर देता हूँ। मैं इसको सिर्फ इसी से एरिया को हम भेजना चाहते हैं, सीट थ्री को जो है हम सिर्फ सीट थ्री को ही भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेंड मेल बॉडी बाय क्लोजिंग क्लोज, और यहाँ पे हमें सबसे पहले आर इक्वल टू रेंज और यहां पे डी डी हो गया। तो यहां पे आपने सिलेक्शन लगा दिया राइट, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो ऊपर हमें दिया हुआ है ये तरीका है, तो हमने इसको पेस्ट करता हूं और यहां से अटैचमेंट को हटा देता हूं, अटैचमेंट नहीं अटैचमेंट का, और यहां हमने मेल बॉडी जो है हमारा मेल बॉडी में यहां रिगार्ड यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ
यहाँ पे हमें जाना होगा रेंज टू एच टी एम एल, रेंज टू एच टी एम एल, और यहाँ पे हमने आर दे दिया। नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, फिर इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको एच टी एम एल में भेजेगा सर। गलत है, ये तरीका गलत है, थोड़ा लेंदी है, अभी आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ रेंज टू एच टी एम एल का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, मैं भूल गया था। एक एरिया दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक आता है एनेबलर इनेबल, एनेबलर इनेबल जो होता है मेल एनवलप, हाँ मेल एनवलप होता है, उसके उसके साथ भेजना होगा, वो बेटर रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ आर, डॉट पेरेंट, ध्यान रखिएगा इसकी, याद रखिएगा पेरेंट, पेरेंट क्या होता है, डॉट मेल एनवलप, पेरेंट के बाद आना चाहिए ना डॉट लगने का, एम ए आई मेल लेकिन इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, हाँ इससे लगाने से पहले हमें यहाँ देना पड़ेगा यहाँ पे एक्टिव, ये सब कोड में डेली यूज नहीं करता हूँ ना, थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ता है सर, एक्टिव वर्कबुक डॉट एनेबल एनेबल एनवेलप होता है, क्या होगा आपको एक्सेल में ही आउटपुट खुल जाएगा। उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे आर डॉट पेरेंट, आर तो पर है पेरेंट, डॉट पेरेंट डॉट मेल एनवलप, मेल ई एन वी ई एल ओ एल ओ पी ई मेल एनवलप, यहां पे देना है हमें विथ आइटम डॉट आइटम, एनवलप का आइटम, उसके बाद इसमें डालिए टू ईमेल आईडी दे दीजिए यहां पे जो देना है आपको इनवर्टर कॉमा में, और फिर यहां पे सीसी कर दीजिए, देना है दीजिए, नहीं देना है तो इसे देने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बीसीसी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें अटैचमेंट नहीं भेज सकते, हाँ अटैचमेंट भी इसमें भेज सकते हैं, हाँ डॉट अटैचमेंट्स लगाएंगे तो अटैचमेंट भी चला जाता है, क्योंकि अटैचमेंट्स की जरूरत पड़ती नहीं है ना सर, क्योंकि मेल वर्डी पे ही पेश कर रहे हैं ना डेटा। उसके बाद लास्ट में डॉट सेंड जरूर लगाइए, एंड बिथ, जब बिथ लगाया आपने उतना एंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हमने दो बिथ लगाया दो बिथ एंड करेंगे, और लास्ट में ये जो आपका चल रहा है
ये जो मैंने ट्रू किया था इसको फॉल्स कर दीजिए, जो भी है मैं दिखाऊंगा आपको कि कर कर हम डेवलपर में आते हैं, सेंड मेल बॉडी इसको सिलेक्ट करते हैं एंड रन करता हूँ। आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, क्या हुआ यहाँ पे आउटलुक आपका खुल जाएगा। देखा आउटलुक खुल गया आपका और मेल भेज दिया गया। मेल बॉडी पे देखें जा रहा है, हाँ देखा सर। तो ये आपका आउटलुक को एक्सेल में ही खोल देता है और मेल भेज देता है आपका। ओके, और इससे पहले भी एक और तरीका है, उसके लिए आपको ये सीखना HTML की कोड आपको आने चाहिए। हम एक्सेल में HTML का कोड करेंगे और HTML का कोड करके हम एक HTML का फॉर्मेट तैयार करेंगे और फिर उसको भेजेंगे। थोड़ा सा लेंदी है तो आज मैं इसको कवर नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए हमें इसमें अटैचमेंट भी जा सकता है ना। हाँ, डॉट नीचे डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड नीचे चले। ओके, ठीक है। तो मेल करने का तरीका मैंने बताया, हम एक पर्टिकुलर फाइल को कैसे भेजेंगे, राइट। उसके बाद हमने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर सीट को कैसे भेजेंगे, एक से दस सीट को कैसे भेजेंगे और मेल बॉडी को अटैच करके कैसे भेजेंगे। तो आउटलुक के साथ मेल करना आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कि आपको एक डिफरेंट डिफरेंट आईडी पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपको जो है मान लीजिए कि आपके पास 1500 कस्टमर है, 1500 कस्टमर को बिल भेजना है। ओके सर, तो वो भी किया जा सकता है। चलिए ये हम आपको बताते हैं, इसके लिए मुझे एक इनवाइस का सैंपल लेना पड़ेगा, एक इनवाइस तैयार करना पड़ेगा। इसी में तैयार कर लेता हूँ, क्यों ले रहा यहाँ पे, एक काम करता हूँ ना, ऐड यहाँ से हम टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। हाँ, न्यू सीसी को ले लेते चलिए। कंपनी का नेम यहाँ पर लिया था ICT हमारा कंपनी का एड्रेस है। एक इनवॉइस बना रहा हूँ सिंपल सा, यहाँ पे डेटा होगा इनवॉइस का, डेटा में यहाँ पे होगा आईडी के बाद यहाँ पे होगा मेल और मेल के बाद होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद होगा यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट।
यहाँ पे नेम, नेम के यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए आपका नेम डाला हुआ है, तो यहाँ पे जनरली सी बात है हम वी लुकअप लगा लेंगे ना सर, ए से बनते आईडी करके इक्वल वी लुकअप, इसको हमने सेलेक्ट किया, डेटा में गए और इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा टू कॉमा जीरो, उसके बाद कंपनी सेम आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस डालने की, इसे तो आप लोग भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, टाइम ज़्यादा ना खाए इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, तो डिस्क्रिप्शंस में मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा देता हूँ और यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, यहाँ पे बाकी सब में ऑटोमेटिक आ गया, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ पे आपका क्वांटिटी है, फोर करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 8000, सिंपल सा फॉर्मेट हमने तैयार किया। चलिए तो एक मिनट में यहाँ पे क्यों इसमें लगा दिया फॉर्मेट, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये जो नीचे फालतू में आ रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डेटा आईडी वन नेम पूजा, इसको रैम डिप्टी लगा देता हूँ, अब आपके सामने एक छोटा सैंपल है। तो अभी क्या है कि मेरा इनवॉइस है, तो जैसे मैं यहाँ पे दो दादाओं को दूसरा मिला जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में बना के और बाकी सबको भेजना है, समझे, पीडीएफ फॉर्मेट भेजना है और हाँ अपने क्लाइंट को भेजना है, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ, ईमेल, और ईमेल में mail.com, ये तीन ईमेल आईडी लिखते हैं, इसको इसी को रिपीट कर देता हूँ, इन सब पे भेजना है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है, तो हमें इस बिल को भेजना है सर। सबसे पहले जो बिल है ये बिल पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे जाएगा ये पता करना है, तो इसको रिकॉर्डिंग में अपलोड करके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सेव एज, और यहाँ पे सेव एज मान लीजिए मैं यहाँ पे वन कर दिया, और इसका एक्सटेंशन मैं यहाँ से दे देता हूँ पीडीएफ।
और ये हमारा हो जाएगा लोकेशन, कि हमें लोकेशन कहाँ डालना है इसको। तो ब्राउज करता हूँ और यहाँ हम डाउनलोड में नहीं करते, एक फोल्डर दे देते हैं, डाउनलोड में ही फोल्डर एक बना देते हैं, एक इसमें फोल्डर बना देते हैं। इसी वन नाम का फोल्डर, इसी में इसी के अंदर जा रहा है। और यहाँ ऑप्शन में एक्टिव सीट है, यहाँ पे एक्टिव सीट सेलेक्ट है, यहाँ पे एक्टिव सीट सेलेक्ट होना चाहिए, एंड सेव कर दिया। हो गया, तो इसको स्टॉप। हाँ, इसमें दिक्कत हो गई, हमने उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं किया था कि वेन द क्रिएट पीडीएफ ओपन द फाइल। तो यहाँ डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक में, और इसमें देखिए कोड इसका है। यहाँ पे ये रहा एक्टिव पीडीएफ, आपका फॉर्मेट फाइल नेम पीडीएफ क्वालिटी इंक्लूड प्रॉपर्टी ट्रू, इग्नोर इंटीरियर ट्रू, पब्लिश ओपन बिफोर ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू की जगह पे यहाँ पे फॉल्स कर दीजिए, ताकि फाइल बड़ा फाइल ओपन ना हो। ये हमारा कोड आ गया, इसको करने इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेंड पीडीएफ के नाम से हमने यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ, और यहाँ पे हमने क्या किया, लूप लगाएंगे फोर आई इक्वल टू चले टू टू, और उसको आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डायनेमिक नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी टू से लेके ट्वेल्व तक, टू से लेके ट्वेल्व तक चले, एलेवन तक, सॉरी एलेवन तक। और उसके बाद हमने बोला और रेंज, रेंज में आपका यहाँ बिल, बिल के अंदर जो रेंज है, रेंज में ए सेवन, जहाँ पे आपको लिखना है अपना कोड डॉट वैल्यू इक्वल टू सीड्स, सीड्स के अंदर डेटा है ना, डेटा सीड्स है, डेटा और रेंज ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट, वहां पे फिट करेगा, फिल करेगा, फिल करने के बाद फाइल को सेव एज करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, ये पीडीएफ फॉर्मेट में जो फाइल सेव हो जाएगी हमारी, फिल करने के बाद सेव कर देगा, और सेव करने के बाद उसके बाद जो है लूप से बाहर हम कनेक्ट कर एक बनाते हैं सेंड करने का, मेल सेंड करने का होता है, कोड हम इसी ऊपर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, लूप के ऊपर रखें, इसमें रखते हैं आइटम जो होगा वो यहाँ नीचे आएगा। तो पहले हम पीडीएफ फाइल को सेव करेंगे, पीडीएफ में सेव करेंगे, फिर मेल आइटम कंपोज करेंगे, मेल में आई डालेंगे, यहाँ पे मेल आईडी जो है वो मेल आईडी हमारे ये जो हमारा नंबर है ये इसी आना चाहिए, मतलब कि डेटा शीट का आना चाहिए, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ए के जगह पे हो जाएगा जी, जी
ओके। और अब यहाँ पे फाइल को, और यहाँ पे देखिए एफ में सेव हो रहा है, अब वन डॉट पी डी एफ में सेव हुआ है। तो यहाँ पे हमें कोड देना होगा फाइल, ये जो हमारा फाइल का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आएगा, इनवॉइस नेम भी सेम करेंगे तभी तो उसी हिसाब से अटैचमेंट उठा लेगा वो, वरना फिर नेम एक एक करके नाम देना तो मुश्किल हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी सेम हमने लाइडी ले लिया, और यहाँ पे भी हम जो पाथ ये डाल रहे हैं सेम यही पाथ डाल देंगे जहाँ से फाइल को उठा लेगा अटैचमेंट को। ओके, और एंड विथ, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट मेल इक्वल टू नथिंग, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ, मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए, देखते हैं कि अब चेहरा होता है तो हम उसमें देखते हैं। जा रहा है, एक बार फोल्डर ये देखते हैं, फोल्डर अपना ये फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। एफ फोल्डर में 2019 के 20 में था क्या, 20 में एक नंबर देख रहे हैं फाइल क्रिएट हो गया। और उसके बाद अगर हम आउटलुक पे जाके देखें सेंड में, तो पी डी एफ फाइल अटैच्ड है, हर पी डी एफ फाइल का नाम अलग है, और देखेंगे तो सबका ई भी अलग होगा। ओपन करते हैं इसको, इसमें देखिए मोहन का है अमाउंट, उस मोहन के अमाउंट है, और ऊपर देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये आपका ओम का है और ओम का अमाउंट, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, जो भी आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं वो फॉर्मेट आपको तैयार करना है, फिर उसका डेटा तैयार करना है, और फिर फॉर्मेट में जहाँ जहाँ जो डेटा चाहिए वी लुकअप के माध्यम से आप डाल दीजिए, और एक आईडी यूनिक रखिए जो कि वी वी इस पर आईडी डालेगा और ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। और फिर इस कोड को मेनटेन कीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लूप लगाइए, उसके बाद आईडी को डालिए वीवी के थ्रू, फाइल को पीडीएफ में सेव कीजिए, फिर आप मेल को क्रिएट कीजिए और जो आईडी से सेव आपने अटैच किया उसी में भेज दीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट है? नो सर। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ सीखने को मिला होगा। सर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे जरा इसका, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे टेलीकास्ट हो गई है, अभी जाके देखिए। ओके ओके ओके। और ये इसका एक्सेल मेल कर सकते हैं या अभी जो आपने कोड? नहीं सर, एक्सेल मेल करना थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बहुत ईमेल आईडी मेरे पास है नहीं सर, तो मैं माफी चाहूंगा। ओके ओके, ऐसे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं सारे कोड। ठीक है चलेगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।